हेलो नमस्ते सलाम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और हाँ, फिर से लोनावला जा रहे हैं, मतलब तो काउंट भी रखना मैं भूल गया हूँ कि लास्ट कुछ महीनों में कितने बार लोनावला गए, मगर कोई नहीं, मज़े बहुत आते हैं। तो हमारा बोलते हैं ना, हैप्पी गो लकी प्लेस हो गया है वो, और अभी तो थोड़े टाइम में लोनावला हमारे नाम पर ही हो जाएगा। तो हाँ, बस अभी बस मैं निकल ही रहा हूँ, थोड़े टाइम में बस अभी निकलूँगा, भाई की बिल्डिंग में जाऊँगा। और उसके पहले मैंने शूट नहीं किया कि लास्ट टाइम मैंने दिखाया ही था। एंड अगर सॉरी, मैं बहुत नींद में लग रहा हूँ क्योंकि मैं सोया नहीं था, तो मेरे को एक्चुअल में भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मेरी हार्डली आंखें खुल पा रही हैं। तो मैं अभी बस जैसे ही गाड़ी में बैठूंगा मैं क्रैश हो जाऊंगा, मैं सो ही जाऊंगा मोस्टली। तो चलिए फिर लोनावला चलते हैं। इस टाइम उल्टा 5 दिन के लिए जा रहे हैं, तो देखते हैं कि हिसाब से व्लॉग कैसे बनेंगे, कुछ अभी आइडिया नहीं है। और इस टाइम डेला तो है नहीं, हम लोग विला लिए है, विला भी आपको दिखाएंगे। विला बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली बोलते हैं विला का आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा ग्रीक टाइप का बोलते हैं ना फील दे रहा है, तो मज़ा आएगा। मैंने फोटोज़ देखे थे तो बहुत मज़ा आया था। तो चलिए फिर बस निकलता हूँ मैं अभी, मम्मी से मिल लेते हैं और फिर निकलते हैं। एंड वंस अगेन सॉरी, मेरे को पता है, क्या पता मेरे को समझ नहीं आ रहा है आउटपुट कैसा आ रहा होगा, मगर मैं नींद में हूँ और मेरे को खुद को ऐसा लग रहा है कि बहुत डल जैसा है, मगर क्या कर सकते हैं। तो चलिए अब निकलते हैं हम। बाय ऑसी, बाय, चलो बाय। उसी को पता है भाई जा रहा है, इसलिए उसी समझ जाता है, इसलिए एकदम खामोश, टेंशन में और खामोश हो जाता है। क्या भाई, चलो भाई, ध्यान ख्याल से रखना आओ, आते हैं। तुम अपना ख्याल रखना। तो मैं एज यूजल टूथब्रश भूल गया था, तो बस टूथब्रश लिया और शेविंग किट। और आज धूप बहुत ज़्यादा है यार, मतलब हद से ज़्यादा धूप लग रही है, वैसे नींद आ रही है तो आँख और नहीं खुल रही है। चलिए फटाफट भाई की बिल्डिंग में चलते हैं और फिर गाड़ी में बैठते ही सो जाएंगे होपफुली आज। हमारी कैवलरी निकलेगी अभी थोड़ी देर में। कुछ बोले आपने? मैं बोला अपना कैवलरी निकलेगा, चार गाड़ियों का काफी है। तो हम लोग ऑलमोस्ट रेडी है, बस अब 5 मिनट में निकलेंगे। क्या बोलते हैं, एक बार फुल एंजॉयमेंट एंजॉय। और आप 5 दिन, 4 दिन, 4 दिन फुल मजे करेंगे आप। आते होते तो मजे करेंगे। हाँ, इसलिए तो 5 दिन फुल मज़े करेंगे। फाइनली निकल चुके हैं हम लोग, ये देखिए गाड़ी पूरी पीछे पूरा पैक है। अंकित भाई ये अपना मैक पकड़ के बैठे हैं ये, और अभी इसलिए अभी शूट करें कि एसी में भी 5 मिनट बैठे तो थोड़ा नॉर्मल हुआ है, नहीं तो इधर गर्मी ने मार दी थी बहुत गंदी वाली। और इस हिसाब से धूप है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी, लेजिट आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। प्रतीक भाई मार दी थी। अरे यार, खाना ये तुम मत दो, फिर लोग गाली देते हैं मेरे को। तो बस अब ऑन द वे राइट को किधर जा रहे हो? एक सेकंड चेक कर लगाऊं। ये देखिए गाड़ी चली नहीं, रुकाना स्टार्ट है। खाना नहीं, खाना नहीं है, चाहिए। ये क्या किया आपने? मुझे कुछ चाहिए क्या है? बी स्पेसिफिक भाई, जब भी बाहर चले जाते तो चीजें नहीं बोलते हैं। क्या बोल गए प्रतीक भाई? मेरे पास है टूथब्रश, अब तुम्हारे टूथब्रश के बिना। मैंने भी टूथब्रश ले लिया है। तीन टूथब्रश क्या करते हैं ये? जादू है। ये देखिए ले आए प्रतीक भाई। अभी फिलहाल डैशबोर्ड के उधर डाल दो, कोलगेट। थैंक यू प्रतीक भाई कोलगेट के लिए, एंड थैंक यू फॉर टाइट कॉक। तो हम लोग वाशी में रुके थे, थोड़ा अर्जेंट काम था, काम तो हुआ नहीं और बहुत टाइम भी हो गया, तो बस थोड़ा नाश्ता कर रहे हैं और फिर निकलेंगे। भाई लोग तो शायद पहुंच भी करेंगे, आई एम नॉट श्योर, भाई तो पहुंच करेंगे, भाभी तो अभी जस्ट निकले इधर से ही, भाई तो पहुंच भी गए रहेंगे अब तक लोनावला। और हम भी बस अब नाश्ता करेंगे, थोड़े समोसे खाएंगे, नींबू पियेंगे और फिर लोनावला। सो रहे हो क्या? गुड। और ये हमारा विला है ऑब्वियसली, विद अ बिग पूल इन मिडल, और पूरा गोवन फील है विद रूम सराउंडिंग द पूल। देखिए तो पहला टेरेस ये है और इससे पूरा विला का व्यू आता है इस टेरेस से। एंड ये एक लॉन्च रूम है टेरेस पे ही, ये दूसरा टेरेस है और इससे व्यू देखिए पूरा सराउंडिंग दिखता है आजू बाजू आप सभी को। ये हमारा रूम है, अच्छा कोजी है, अच्छा सा।
वॉशरूम देख लेते, तो मैंने भी नहीं देखा अब तक। डिसेंट। तो हम लोग विला पहुंच गए, आपने विला तो देख ही लिया, और विला का एक्सटीरियर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंटीरियर ठीक ठाक ही है, मगर एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा है। और आप शक्ल पे बोलते हैं ना, मिट्टी और पसीना और इतना थकान तो देख ही सकते हैं। तो चलिए मैं अभी बस फ्रेशन अप हो जाता हूँ, नहा लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, और फिर लोनावाला की मस्तियाँ देखो। तो अब हम लोग स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, आपने पूल तो देखा ही है कितना अच्छा है, और आंटी अभी कूद गए तो आंटी ने बोला आ जाओ पूल में, तो हम लोग पूल में जा रहे हैं मजे करने। क्या कर रहे हो तुम यार, मजा बहुत मजा आ गया। तो हमारा स्विमिंग टाइम हो गया और मूड एक्चुअल में फ्रेश हो गया, क्योंकि जो आज टायरिंग जर्नी थी ना, तो आज हम लोग की जो जर्नी थी बहुत बेकार थी, इसका एसी नहीं चल रहा था और टूर्स एंड ट्रेवल्स वाली गाड़ी का, तो उसके वजह से इतनी गर्मी लग रही थी, तो आज ट्रैवलिंग में हालत ख़राब हो गई थी, ऊपर से थोड़ा भाग दौड़ भी हुई थी, तो पूरा हेक्टिक था, थकान थी चेहरे पर भी दिख रही थी। मगर अभी हम लोग का जो पूल सेशन हुआ ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे चला है, उसके बाद मज़ा आ गया। ये देखिए ये भी आ गए हैं, ओह माय गॉड, प्रतीक भाई इज आल्सो हियर, अब पूरा गीला करो ये लोग। और गाइस मैं अभी जस्ट आया हूँ टेरेस पे, और क्या ही सीन है यहाँ का, रुके मैं आप सभी को दिखाता हूँ अभी। और ये देखिए रात में विद लाइट्स ऑन और भी ज्यादा प्रिटी दिखते हैं विला, और स्पेशली स्विमिंग पूल। तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, प्रैक्टिस? हम कब खेलेंगे? माय गॉड, हरा दोगे तुम मुझे। कल खेलेंगे, उधर पीछे ग्राउंड है, अगर बारिश नहीं हुई तो। करो, ओ ट्रिक्स ट्रिक्स ट्रिक्स। और अब डिनर टाइम। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, खाना भी हो गया, डिनर हो गया है, और उसके बाद हम लोग टाइम पास भी बहुत किए, चिल किए, वो भी देखा आपने, और अब फिर थोड़ा कॉफ़ी पिए रात को, और बस अब आ रही है बहुत ज़्यादा नींद। मतलब मैं कल रात को सोया नहीं था, ऊपर से पूरा दिन थकान, और पूल के बाद तो फिर ऑब्वियसली ज़्यादा थकान हो जाती है, मगर फ्रेश भी पूल के बाद ही हुए थे। तो बस अब मैं सोऊंगा फाइनली, और आज के दिन के लिए इतना ही था, अब मैं आपको मिलूंगा डायरेक्ट। गुड मॉर्निंग गाइस, तो एक्चुअल में गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी मैं उठा 12:30 बज रहे हैं, और फाइनली बहुत अच्छी नींद आई यार, मज़ा आ गया आज की नींद का, मतलब बहुत ज़्यादा ही मज़ा। तो चलिए बस अभी ब्रश किया मैंने, अब चलते नीचे ब्रेकफास्ट करते हैं, हमारा तो यही टाइम है ब्रेकफास्ट का, और देखते बाकी सब लोग भी क्या कर रहे हैं, और सेकेंड डे तो और मस्तियाँ बने रही है। फर्स्ट डे पूल थोड़ा गंदा था, इसलिए सेकेंड डे इन लोगों ने ऑलमोस्ट 1.5 आवर साफ किया और पूल को क्रिस्टल क्लियर कर दिया। कैसे हो प्रतीक भाई, गुड मॉर्निंग। नाश्ता कर लिए? 9 बजे से उठा हुआ हूँ। इतना जल्दी कौन बोला था उठने को? अबे इधर उजाला ही इतना हो जाता है तो नींद खुल गई। हाँ ये तो है, ये देखिए रूम में बस विंडोज ही विंडोज है हर जगह, इधर भी है। हाँ उधर तो बहुत सारी। नाश्ता कर लिया? हाँ सही है, मैं चलो मैं अभी जाके कर लेता हूँ। कर ले। अंकित नहा ले उसके बाद। तो टाइम तो मेरा भी हो चुका है लंच का, मगर ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, क्योंकि मैं उठा और अभी फिर भाभी का व्लॉग एडिट कर रहा था, और ये लोग सब मज़े कर रहे थे, और अभी अंकित बस नहा रहे तो निकले, तो हम लोग जाए ब्रेकफास्ट करें, और उसके बाद फिर क्या सीन प्रतीक भाई, क्या करोगे आज? पूल अपना ये देखो, ये पूरा चद्दर अद्दर ओढ़ के, सॉरी ब्लैंकेट। अबे ब्लैंकेट के नाम पे धब्बा है ये चद्दर। ये देखिए आपको हम ब्लैंकेट दिखाते हैं यहाँ का। ये देखिए, एक तो पहली बात ये देखिए कितनी मोटी है, ऊपर से मैं तो इसमें फिट भी नहीं आ रहा था। ये तो
ऑब्वियसली मेरी हाइट बढ़ी है और इतनी छोटी है मैं तो फिट भी नहीं आ रहा था, और प्रतीक भाई का हाइट बड़ा नहीं है मगर प्रतीक भाई बड़ा है, प्रतीक भाई का विथ बड़ा है तो प्रतीक भाई भी फिट नहीं आ रहे थे। पर प्रतीक भाई ने कल रात में मेरे लिए बड़ा ब्लैंकेट ढूंढ के आया, मतलब ब्लैंकेट क्या मैं तो स्कार्फ बोल रहा हूँ इसको कल से इतना ये तो था ही नहीं, कल कौन सा दिया था तेरे को ढूंढ के, यही दिया था ये वाला। तो चलिए बस अंकित आ जाए, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चिल्स। तो चलिए अब हम ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, 3 बज रहे हैं और हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ये देखिए भाई साहब फुल रेडी होके आ जाओ। हेलो हेलो हेलो, तो हमारा नाश्ता आ चुका है 3 बजे, भाई भी आ चुके हैं। ये अभी आपकी चाय है? हाँ, बनाने की मंगवाएं? बनाए हैं सब लोगों ने। अच्छा ऐसे सिखाओ। ओह भाई अपने से तो होएगा ही नहीं है। चलो रे एक ये वाला बहुत ईजी है, इसके बाद मैं बताता हूँ, बहुत ईजी है। अरे इसके पास कंट्रोल है, हो जाएगा, मगर अपना इधर उधर जा रहा है, रेहान का कंट्रोल हो गया है। चैंपियन तो रेहानी है बैडमिंटन का। ये बनेगा अपकमिंग बैडमिंटन चैंपियन। आज खाने में है बिरयानी और ये हमने हमारी बिरयानी ले ली है और ये दोनों एज यूजुअल झगड़ा कर रहे हैं। कुछ बोले आप? हमको पाव मिल सकता है? अभी नहीं, अभी मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ अपना। ब्लॉग एंड करने का और चार्जिंग का क्या लेना देना है? आप आके लो। तो गाइस आपने देख ही लिया, 2 दिन बहुत मस्ती की हम लोग ने और मैं यही ब्लॉग एंड करता हूँ। अब कल से 2 दिन का दूसरा ब्लॉग बनाऊंगा एंड आई नो बिट्स एंड पीसेस में है क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता ही है, एक तो भाभी का ब्लॉग भी शूट करना पड़ता है। हाँ, तुम आवाज कर लो। यू कंटिन्यू विद योर वर्क नो? ओके, भाभी का ब्लॉग भी शूट करना रहता है, एडिट भी करना रहता है, ऊपर से आए हैं तो एंजॉय करते हैं, तो उसमें बोलते हैं ना शूट करना मिस कर देता हूँ, दिमाग से भी निकल जाता है कि ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो आई नो बिट्स एंड पीसेस में है मगर जैसा था आपको दिखा दिया। अब कल एक दूसरा ब्लॉग शूट करूंगा, तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। मैं मिलूंगा आपको एक दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बी हैप्पी।